हमारे YouTube चैनल ग्रह गोचर में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रोचक जानकारियों का आनंद उठाइए। आज हम बात करेंगे अचला एकादशी यानी ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा की। सभी पापों का नाश करने वाली अचला एकादशी इस वर्ष 6 जून दिन रविवार को है। तो चलिए जानते हैं अचला एकादशी का वो महात्म्य जिसे पढ़ने और सुनने मात्र से प्राणी प्रेत योनि से भी छुटकारा पाता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म क्या है, कृपा कर कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है वो अपार सुख पाता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि है, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छुटकर विष्णु लोक को जाता है। प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई व्रजध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या कर उसकी देह को एक जंगल में पीपल के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु को प्राप्त महिध्वज प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। तब ऋषि ने उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अचला एकादशी का व्रत किया और उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। तो आप भी अपरा एकादशी का व्रत कीजिए और उसके महात्म को पढ़िए या सुनिए, जिससे विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।